अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो पिछले वीडियो है जो मैंने अभी लेटेस्ट में अपलोड किया है वो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रही है आप लोग के, जो कि मेरे वीडियो है मेडिकल से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स पर ही बात करेंगे, और एक्चुअल में जो बात करने वाले वो डाटा फ्लो पे बात करेंगे, जो हमारे बेस है डाटा फ्लो। अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड है तो आपको पता होगा डाटा फ्लो क्या है। तो आज उस पर बात करेंगे कि डाटा फ्लो के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, आप डाटा फ्लो कैसे क्लियर कर सकते हैं, देन आफ्टर यू हैव टू क्लियर प्रो मैट्रिक एग्जामिनेशन इन दी गल्फ। सो वो डाटा फ्लो करने के बाद आपको गल्फ में कौन कौन सी कंट्री में आप प्रो मैट्रिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी पॉइंट पर बात करेंगे आज। तो करते हैं वीडियो को शुरू, और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग तो वीडियो काफ़ी देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई सा भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो वीडियो को करते हैं शुरू। ये मैं कुछ सैंपल शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये डाटा फ्लो क्लियर होने के बाद का पेपर है, ये सैंपल के तौर पे मैं डाला हूँ। और ये सऊदी में जब आ गया बंदा, सऊदी में आने के बाद प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो पेपर उसे मिला है वो ये पेपर है, ठीक है ना। तो आगे का मैं डाल रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी की तरफ से क्लियर होने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है एज ए रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, तो ये आपका है, ठीक है। और जब हमारी बात आती है डाटा फ्लो पे तो सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट्स पे, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना लाजिम है। तो PSB, इसकी शॉर्टकट है PSV, इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन, ठीक है ना। ये एक वेरिफिकेशन डाटा फ्लो के मेन बेस है, मेन मकसद होता है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। तो इसकी जो ओवरऑल बात है, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ वेरीफाइंग द एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल और प्राइमरी सोर्स बाय स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल कंपनी कॉल्ड डाटा फ्लो। डाटा फ्लो की मतलब हुआ, ठीक है। वेरिफिकेशन विल बी फॉर एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस हेल्थ लाइसेंस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट डेट इज कॉल्ड डाटा फ्लो। ये सारे करने के बाद आपको जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, आप अपने स्कूल का सर्टिफिकेट देंगे यानी कि इंटरमीडिएट का, और आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होगा वो देंगे, ठीक है। और अब जिस हॉस्पिटल से काम कर चुके हैं उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो डाटा फ्लो का मेन बेस होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा। तब जहाँ जहाँ से रिलेटेड देंगे ना, मेक श्योर कर लेना कि आपको जेन्युइन होनी चाहिए। आप जो भी देंगे वो सारे बंदे के पास आपके इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, सब पे मेल करेगा। मेल करने के बाद वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और वो एलिजिबल होंगे वो कौन कौन से कंट्री के लिए होंगे, ये आप सारे कंट्री के लिए होंगे, लाइक दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, एवरीवेयर इन द गल्फ, ठीक है। और अभी ये कौन कौन सा बंदा कर सकता है डाटा फ्लो, सो डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, रेडियोग्राफर्स एंड ऑप्टोमेट्रिक, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, डाटा फ्लो प्रोसेस कैंडिडेट हैज टू कम्प्लीट टू गेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर MOH डाटा फ्लो फॉर नर्स इन ऑर्डर, राइट। तो ये सारा करने के बाद ओवरऑल आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रो मैट्रिक के लिए। यू कैन गिव द एग्जामिनेशन प्रो मैट्रिक इन इंडिया और यू कैन गिव एग्जामिनेशन लाइक आउट ऑफ इंडिया। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इंडिया के बाहर भी आके दे सकते हैं, नहीं है तो फिर आप वहाँ से दे दें, ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये होगा कि आपके एक डिमांड जो है ना, एक्चुअल में जो आप डिमांडेड हैं, आप नर्स है तो जो आपका वैल्यू है वो एक्चुअल में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा अगर आपके पास एग्जाम का लाइसेंस हो तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डाटा फ्लो होने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगी, ठीक है। तो सेम है, इस पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और पासपोर्ट का बैक और फ्रंट का स्कैन चाहिए, साथ में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, देन आफ्टर प्लस टू हायर सेकेंडरी का चाहिए, देन डिग्री एंड डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस जहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया वो उस बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, लास्ट टू ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, जो आप 2 साल के एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल में वो चाहिए होगा, ठीक है। देन बेसिक लाइफ सपोर्ट
सर्टिफिकेट चाहिए, देन गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इज सर्टिफिकेट इशू बाई द मेडिकल काउंसिलिंग रेगुलेटरी बॉडी फ्रॉम द वेयर यू प्रीवियस लाइसेंस हैज बीन इश्यू और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ लास्ट एम्प्लॉयर, इट इज वैलिड ओनली फॉर 6 months, राइट। कैंडिडेट हु हैव अब्रॉड एक्सपीरियंस लाइसेंस एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट रेगुलेटरी बॉडी इज मैंडेटरी। ये सारे करने के बाद एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है लोगों का, काफ़ी क्योरी भी आ रही है उसके बारे में कि अगर हम मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मुझे तैयारी कहाँ से करना पड़ेगा, कहाँ से वेस्ट होगा, कौन सी कोचिंग का सपोर्ट लें और क्या इसका मटेरियल होगा। तो इस पॉइंट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा उस वीडियो में आपको मटेरियल और जो भी पॉसिबल है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इंस्टाग्राम को हो गया, नहीं सॉरी टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम पे बहुत सारे लिंक होते हैं जहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास पर्सनल है, वो मैं आपको उस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, साथ PDF बना के आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, आज की बात। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ मैंने इसमें अगर गलती किया हो, कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, पर आई थिंक मैंने सारा कवर किया है और कोई और सा मिस्टेक नहीं किया, इंसान ही मिस्टेक हो सकता है। तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह, खुदा हाफिज़।